लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। मोतिहारी पुलिस द्वारा पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया, जिसमें सैकड़ों जवान शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कार्यालय में शहीद स्मारक के पास हुआ, जहां पुलिस के जवानों ने अपने शहीद साथियों को नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया और सल्यूट किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिले के कप्तान उपेंद्र शर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर उनके बहादुरी के कारनामों को अपने जवानों के बीच बताया। वहीं उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से पुलिस का मनोबल मजबूत और ऊंचा होता है। मोतिहारी SP उपेंद्र शर्मा ने कहा कि इस वर्ष बिहार में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और पूरे देश में 292 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिन्हें आज याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आज बिहार में 3-5 कैंपस में माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा भी यही कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा है। इसका बहुत अहम महत्व है, हम लोगों को इस दिन को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और जब हर जगह देश में हो रहा है, इसका बहुत अहम महत्व है, हम लोगों को इस दिन को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और जब हर जगह देश में हो रहा है, आज हम लोग खड़े हैं, इस दिवस के ऐतिहासिक प्रसंग है। आज के ही दिन 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई के बीच हॉट स्प्रिंग्स नाम की एक जगह है, लद्दाख एक जिला है भारत का, वहां पर एक जगह है जो हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। 1959 में घटना घटी थी, CRPF की छोटी सी टुकड़ी वहाँ गश्ती करने गई थी, जहाँ पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा उनको एम्बुश कर दिया गया था, उनके ऊपर घात कर हमला किया गया था। और उस एम्बुश के दौरान, उस युद्ध के दौरान 11 बहादुर जवान में अंतिम सांस ली और शहीद हुए। 1961 में आज 21 अक्टूबर है, आज हम लोग पुलिस संस्मरण दिवस का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग पुलिस विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हम लोग इस दिन अपने शहीदों को सम्मान देते हैं, याद करते हैं, उनकी बलिदानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिहार राज्य में इस वर्ष लगभग 7 पुलिसकर्मी पदाधिकारी सहित शहीद हुए हैं और पूरे भारत में 292 की संख्या है जो हम लोग को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई है। सभी के हम लोग कार्यों को याद किए, आज पुलिस लाइन्स में ये हम लोगों ने आज कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ हमारे यहाँ एक शहीद स्मारक का एक भवन बना हुआ है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते हैं नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ताज़ा वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।